स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिनके पास, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। इसमें आपको जो है फुल सिलेबस दिखेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर और आंसर कैसे लिखे विद एग्जाम्पल, सब कुछ जो है इस एक वीडियो में है आपके लिए। तो ये पूरा देखे वीडियो, बच्चे पूरी तरह समझ जाए कि होने क्या वाला है फर्स्ट ईयर में। ये जो सोच रहे हैं बच्चे सीबीएसई जो आपने ट्वेल्थ पास किया है तो बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है उससे, 100% अलग है। आप उसमें कितने बड़े क्वेश्चन आते थे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बड़े में आपके हिस्ट्री में आता था, और पॉलिटिकल में आपका आ गया 6 मार्क्स। इसमें क्या है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप 8 नंबर में मान लीजिए 2 पेज भर देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज भर दिया तो उसमें आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन यहाँ क्या है, आपको फुल एक्सप्लेन करना है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 से 10 पेज कम से कम होने चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो ठीक होगा। तो इस वीडियो में मैं विद एग्जाम्पल आंसर कैसे लिखे ये भी बताऊँगा, और आपके जो पूरे जो प्रॉब्लम है, आपकी जो क्वेश्चन खड़े हैं आपके दिमाग में, सबका सॉल्यूशन एक वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो है आपकी ऊपर से स्टार्ट है और थोड़ी बड़ी वीडियो होने वाली है ये, तो पूरा देखिए वीडियो तभी समझ पाएंगे आप। तो फर्स्ट ईयर हिस्ट्री है आपका, सेमेस्टर 1 चैप्टर 1 है आपका इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ व स्रोतों का सर्वेक्षण। पहले तो मैं चैप्टर बताऊंगा, फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मान लीजिए टॉपिक बताऊंगा उसके इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन ही होते हैं। तो चैप्टर 1 से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। तो ये 2 क्वेश्चन निकलते हैं चैप्टर 1 से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में से आपका 20 नंबर का जब निकल रहा है 2 क्वेश्चनों में, तो आप एक रेडी कर लीजिए। बीए में क्या होता है, बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो सोल रेगुलर या इग्नू अदर यूनिवर्सिटी से हो, तो उनके ये नहीं होता ट्वेल्थ की तरह कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें ढूंढने, इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन कि यही आएगा, लेकिन आपको वही जो है 10 से 12 पेज तक लिखना है, उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने आगे बता रखा है, अंत में देखेंगे उसको हम। तो 2 क्वेश्चन निकलते हैं, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ, और दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है इसके इम्पोर्टेंट। चैप्टर 2 है आपका पुरापाषाण तथा मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। तो हमने पहला चैप्टर तो कवर करवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है पहले चैप्टर का, लेकिन पहला क्वेश्चन अभी नहीं करवाया तो वो करवा देंगे जल्द ही। चैप्टर दूसरा भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो पुरापाषाण काल जो है वो पूरा करवा दिया गया है, उसकी संस्कृति रह रही है, तो संस्कृति की जो वीडियो है वो भी जल्दी आएगी आपकी। इसमें ही दूसरे चैप्टर में दूसरा है मध्य पाषाण काल व संस्कृति, मध्य पाषाण काल के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में, और तीसरा है नवपाषाण संस्कृतियाँ, नवपाषाण जो है उसकी संस्कृतियाँ, नवपाषाण काल की संस्कृतियों का वर्णन। तो ये आपके 3 इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 3 में चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बताइए, दूसरा है नगर नियोजन पद्धति के बारे में बताइए, तीसरा उसकी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताइए, चौथा है अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, यानी आर्थिक आ गया ये, और पांचवा आपका शिल्प उत्पादन और व्यापार के बारे में बताइए। तो 5 टॉपिक है आपके जो इम्पोर्टेंट है, और मैं इन सबको एक एक करके जो है वीडियो लाऊँगा, एक एक करके सबकी वीडियो लाऊँगा, तो देखते रहना उस वीडियो को, और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो सभी। चैप्टर 4 है आपका वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति में हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, दूसरा है ऋग्वेदिक काल में हम उसकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक तथा प्रशासनिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक एक ही है, 2 बार लिख गया इधर, तो उसके बारे में देखेंगे हम। ऐसी इसमें तीसरा पॉइंट है जो आपका टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में हम लौह युग और उसके प्रभाव को पढ़ेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था एक है, दोनों एक ही है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल। तो ये 3 टॉपिक थे आपके वैदिक संस्कृति से, तो इस चैप्टर 4 में हम इतना ही पढ़ेंगे, यही टॉपिक है आपके इम्पोर्टेंट। चैप्टर 5 है आपका वैदिक उत्तर काल, पहला पॉइंट है इसका जो हम टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ईस्वी
पूर्व छठी से चौथी सदी की उत्तर भारत उत्तर पश्चिम भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति व भारत के इतिहास में महत्व। इसमें दो टॉपिक है, एक तो आपकी जो उत्तर पश्चिम भारत है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, और दूसरा है भारत के इतिहास में छठी ईस्वी पूर्व छठी से चौथी सदी जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण रही है। तो ये दो टॉपिक है आपके। दूसरा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में बताएंगे, दो टॉपिक है इसमें। जैन धर्म है वह उसके उदय के कारण बताना है आपको, और बौद्ध धर्म है और उसके भी उदय के कारण बताना है। फिर चौथा टॉपिक है आपका गौतम बुद्ध, उसकी शिक्षाएं बतानी है, और महावीर वह उसकी शिक्षाएं बतानी है। ये जो है कोई एक टॉपिक है, ये आपको 10 से 12 पेज में लिखने हैं। जैन धर्म मान लीजिए आ गया तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, उदय के कारण सब कुछ जैन धर्म के बारे में, वो भी 10 से 12 पेज तक। तो हम एक हर एक वीडियो ऐसी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका छठा मौर्य साम्राज्य। तो इसमें मौर्य साम्राज्य में टॉपिक आता है आपका मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या स्रोत है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है, अशोक के बारे में आता है, वह उसके अभिलेख के बारे में आता है। अभी लख लिख गया इधर तो अभी लेख आएगा। चौथा टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना है आपको, और मौर्य कला व स्थापत्य शैली के बारे में बताना है, और मौर्य प्रशासन साम्राज्य का पतन। तो ये जो टॉपिक है आपके इस बुक में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 है आपका सुदूर दक्षिण। तो इसमें आप पढ़ेंगे संगम साहित्य के बारे में। दूसरा टॉपिक है संगम साहित्य की जो राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, समाज व धार्मिक, उसका पूरा का पूरा विवरण देना है हमको एक एक करके। और चैप्टर 8 है आपका मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल में आपका एक ही टॉपिक है मौर्य उत्तर काल, और इसी की जो है आर्थिक इतिहास बताना है, सामाजिक इतिहास बताना है, राजनीतिक इतिहास बताना है, और धार्मिक इतिहास बताना है। तो ये था आपका सिलेबस जो आपका रहने वाला है फर्स्ट ईयर हिस्ट्री जो है सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट है उनके लिए। और ये ज़्यादातर जो सेम है चैप्टर्स या क्वेश्चन कह लीजिए, तो वो सभी में सेम है, सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सोल से हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो जो ओपन से कर रहे हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे इग्नू से हो और या अदर हो, तो सभी का जो सिलेबस है लगभग सेम है। तो आपको सभी वीडियो जो वीडियो है इसके ऊपर जो पहला चैप्टर है इसका कवर हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का भी जल्द ही आएगा सिलेबस। तो देखेंगे हम आगे जो हमारा अब जो प्रॉब्लम आती है हमें कि क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा अगर हम एग्ज़ाम देंगे। तो इग्नू में क्या होता है कि इग्नू में आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो है 16 क्वेश्चन आता है, लेकिन DU में ऐसा नहीं है, DU में 10 क्वेश्चन आता है, 16 क्वेश्चन आता है इग्नू में। इग्नू की सुन लीजिए, इग्नू के क्वेश्चन पेपर जो है मुझे मिला नहीं है, बहुत सर्च किया मैंने मिला नहीं, लेकिन DU का मिला था तो मैंने DU का ले रखा है। तो पहले इग्नू के बारे में सुनिए आप, इग्नू का क्या है कि 16 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और उनमें से कोई 8 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी वो जो है यूनिट वाइज बटे होते हैं, टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं। तो कोई एक यूनिट होगा तो उसमें अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन होगा या 8 क्वेश्चन होगा तो उसमें कहेगा 4 क्वेश्चन कीजिए, दूसरे यूनिट में ऐसे ही है। तो ऐसी कर करके जो है 16 क्वेश्चन होते हैं उसमें इग्नू में। और इग्नू में क्या होता है कि शब्द जो है उसकी लिमिट होती है, शब्दों की लिमिट होती है इग्नू में। तो ये सब थे इग्नू के बारे में, और इग्नू में जो शब्द की लिमिट होती है 20 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 500 शब्दों से जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैंने तो इग्नू से लिया नहीं है ना किया है तो मुझे पता नहीं है वैसे इग्नू के बारे में ज़्यादा। वैसे इग्नू में क्या है जो आंसर सीट है वो दोबारा नहीं दी जाती है, एक ही बार सीट दी जाती है, उसके बाद नहीं दी जाती है। तो आप पता कर लीजिएगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं है सीट दी जाती है कि नहीं दी जाती है। अब DU की बात रही तो DU का मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है तो कुछ ऐसा है, ये भी बहुत मुश्किल से मिला और ये धुंधले टाइप का है, साफ नहीं नज़र आ रहा है, बट क्वेश्चन जो है वो पढ़े जाएंगे ऐसा है। तो देख लीजिए ये है DU का जो पेपर है, ओपन का है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो स्टूडेंट है उनका है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे है हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 8th century। तो ये आपका पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन निर्देश होते हैं ये सब, तो निर्देश जानेंगे होते क्या इसमें, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए निर्धारित समय स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई में से दो प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। तो सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। एक भाषा में देना आपको पेपर इंग्लिश भाषा में दीजिए या हिंदी में दीजिए। और आपके जो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कोई 5 देना है, लेकिन ये यूनिट वाइज बटे होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। यूनिट 1 है, एग्जांपल के लिए लिया है मैंने ये पेपर कि आपको समझा सकूँ कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। तो यूनिट 1 है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 5 क्वेश्चन है। यूनिट 1 में आपका 5 क्वेश्चन है। तो आपने वो पढ़ा होगा ऊपर जो वहाँ जो लिखा हुआ था कि सभी प्रश्नों के अंक समान है, और इसमें लिखा हुआ था किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, लेकिन प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये एक इकाई है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और दूसरी इकाई है उसमें से भी 2 क्वेश्चन जो करना है अनिवार्य है। किसी एक में से आप 3 कर सकते हैं, लेकिन 2 होना ही चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो ये था एग्जाम्पल के लिए। और इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर, बहुत ईजी आता है, लेकिन बच्चे किस वजह से रुक जाते हैं, वो है उनकी लिखने शब्द के वजह से, उनके पास लिखने को शब्द ही नहीं हो पाते, वह सही से पढ़ते ही नहीं है इसलिए। तो ये 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कोई 5 करने पड़ते हैं आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। तो ये देखिए, ये था क्वेश्चन पेपर आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका प्रॉब्लम है, वो है आपका उत्तर कैसे लिखे एग्जाम में। तो मान लीजिए आपको जो है पेपर में पूछा है प्राचीन इतिहास के भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए, भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का है। तो मैंने इस टाइप से इसे लिख रखा है कि आप अच्छे से समझ भी सके, और मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, तो वही लिया है मैंने कि 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने पेज लिखने चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा पेज लिखे हुए हैं, और कैसे लिखे आंसर तो ये है, पहले आपको क्या करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है उसको तीनों स्रोत जो है आपको एक बना देना है कि समझ सके आसानी से, जो चेकर हो कि इस बच्चे को अच्छा आता है। आप कोई डायग्राम बना के तीनों भाग का दे दीजिए नाम, फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने कर रखा है पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से इतिहास लिखन। तो हम 3 भागों में बांट रखा है भारतीय इतिहास के स्रोत जो है उसको, और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, और तीसरा आपका विदेश यात्रियों के विवरण। तो एक एक करके पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया मैंने, ये सिक्के हो गया, फिर सिक्कों से क्या क्या पता चलता था, ये हो गया आपका सिक्के ही आपके ये गए हैं इधर तक। और दूसरा है अभिलेख, ये पुरातात्विक स्रोत में ही है अभिलेख, देखिए कितना गया, और बहुत ईजी है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, और फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हुई है, बहुत आसान तरीके से लिखी गई है, तो बच्चों को समझ भी आ जाए। तो ये था दूसरा पॉइंट आपका पुरातात्विक स्रोत में ही अभिलेख। तो ये अभिलेख को भी 2 भागों में बांट रखा है, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख, ये है अभिलेख। अब ये था आपका जो है पुरातात्विक स्रोत। आप डिफाइन करेंगे आप साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत भी इस प्रकार से है, ये पहले साहित्यिक स्रोत लिख कर जैसे पुरातात्विक स्रोत लिखा आपने, तो उसकी थोड़ी सी जो है भूमिका बनाएंगे, फिर उस पर पॉइंट पर आएंगे आप। तो आपका पॉइंट है ये वैध है इसमें, तो चारों वैध के बारे में आप डिफाइन करेंगे। फिर आता है वेदांग, फिर वेदांग के बारे में बताएंगे आप, साहित्यिक स्रोत में ज़्यादा है महाभारत है, फिर महाभारत के बारे में बताइए आप, रामायण तो उसके बारे में बताइए, जैन बौद्ध धर्म तो उसके बारे में बताइए। तो ये था आपका इसी तरह से साहित्यिक स्रोत। और फिर था आप है आपका विदेश यात्रियों के विवरण, तो इसमें आपके जो है विदेश यात्री कौन कौन से रहे, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है इन्हें, यूनानी रोमन लेखक इस तरह से मैंने समझा रखा है वीडियो में, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लीजिए, और दूसरा आपका चीनी लेखक, और तीसरा है आपका जो है अरबी लेखक। तो ये 3 भागों में बांट रखा है, और ये करीब जो है आपका गया है 15 पेज में गया है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है नंबर लाना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ओपन से है बच्चे स्टूडेंट SOL से जो बच्चे हैं उनके नंबर नहीं आते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, पॉइंट CBSE की तरह मत लिखिए कि पॉइंट लिख दिया और उसके 4 लाइन लिख दिया एक्सप्लेन। आपका जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट जो एक आप सब हेडिंग बनाते हो, तो उसकी जो डिफाइनिंग होगी वो आपका लगभग एक पेज में होगा, एक पेज में होगा, कम से कम एक पेज में।
उससे नीचे नहीं होगा तो वो माना जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में यही थी खास बात, और कई सारे बच्चे जो प्रॉब्लम में थे तो ज़्यादा दिक्कत ना करें, वीडियो आ रही है डेली देखे वीडियो को, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो आती है, एक वीडियो देखे बस उसका जो है एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक वीडियो से एक टॉपिक क्लियर। और उसको साथ में हम जो है लिख के भी बता रहे हैं कि आपको कितना लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो सोल है उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो और इग्नू है उसमें क्या है 500 शब्दों की लिमिट कर रखी है, तो टू द आंसर मतलब आंसर जो आपका होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए और 500 शब्दों से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो यह है, लेकिन सोल वाले बच्चों के लिए डरने की बात नहीं है, उनमें अनलिमिटेड है कितना भी लिखे आप। तो यही है, इसी कारण जो है बच्चों के नंबर नहीं आते, वो कम लिखते हैं पेपर में, तो इसी कारण जो है बच्चों के नंबर कम आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये जानकारी। और फुल सिलेबस था ये आपका हिस्ट्री का, ऐसे ही पॉलिटिकल का भी फुल सिलेबस आएगा, और उसके क्वेश्चन पेपर विद कैसे लिखे आंसर उसके बारे में भी आएगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, पर डे वीडियो आ रही है, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।